Bismillahirrahmanirrahim. Minister for Federal Education and Professional Training and Pro-Chancellor of Allama Iqbal Open University, Janab Madad Ali Sindhi Sahab. Vice-Chancellor Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Nasir Mahmood Sahab. Dignitaries, members of the Executive Council, faculty and staff of the university, parents, respected guests and dear graduates, Assalamu Alaikum. मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बाइज आप लोगों ने इज़्ज़त दी कि मैं यहाँ आकर आपसे गुफ्तगू कर सकूँ, और इस वजह से ज़्यादा मुझे ये शौक़ होता है कि क्योंकि आपके हाथ में है मेरे मुल्क की तकदीर, आपने इस मुल्क को बनाना है, और सबसे बेहतर हथियार जो ये मुल्क आपको दे सकता है वो है इल्म का हथियार, और उसके अंदर मैंने अभी एक जनरल साहब को भी देखा तो मुझे हदीस याद आई कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि बच्चा पैदा होने से लेकर कब्र तक इल्म की तलाश होनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खित्ते के एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग थे, उनके मुतालिक ये जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो वो एक ऊंचाई पर रहते थे, तो जब बीमार रहने लगे तो एक दिन रात को उनका दिया और शमा और लालटेन जलती रही तो लोगों को ख्याल हुआ कि कहीं ये जलाकर इनकी ये रहलत तो नहीं कर गए, तो लोगों ने कहा कि जाकर भाई देखो तो सही। तो जब गए तो पता चला कि वो किसी हदीस का मुताला कर रहे थे, तो लोगों ने कहा ये हदीस तो आपको पता है, मगर कहने लगे मैं इनके रावियों को देखना चाहता हूँ, एंड वेरी क्लोज टू हिज डेथ वो फिर भी मुतलाशी थे। तो बच्चों ये जो इल्म आपको मिला है इस पर ये तो यूँ तो फ़ख्र करो कि आप पाकिस्तान के उन होनहार लोगों में आ गए जो एलीट है इस वक्त, और एलीट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जब मैं आपके पास आया हूँ तो बहुत सारे गम हैं, उसमें एक गम ये है कि मेरे मुल्क के अंदर 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, और उनमें आप एलीट हैं कि आप स्कूल से भी आपने तालीम हासिल कर ली और आपके हाथ में मुल्क ने इल्म दे दिया। तो आप तो मेरे मुल्क का जेवर हैं, और ये जो मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा बता दूं, ये फिगर आ जाना तो बड़ा आसान है कि 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। अच्छा, ये आपकी डायरेक्ट ग्रेजुएशन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर क्योंकि इल्म का मामला है तो मैं आपके साथ ये तकलीफ़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इनको स्कूलों में भेजा जाए तो इस वक्त 50,000 स्कूलों की ज़रूरत है, और पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब के अंदर 55,000 स्कूल बने हैं सिर्फ, तो लिहाजा एक बहुत बड़ी टास्क नज़र आई। दूसरे, इस वक्त ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तालीम, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के नाते तकरीबन 24 से 28 या 30% तक प्रोविंशियल बजट्स तालीम पर जा रहे हैं, और मैं कुल अनकरीब कोई ऐसी कैफियत नहीं देख रहा कि प्रोविंसेस अपना बजट और काट करके 50% तालीम पर खर्च कर दे, क्योंकि और भी प्रायोरिटीज़ हैं, गुरबत भी प्रायोरिटीज़ है, सेहत भी प्रायोरिटी है, लिहाजा एक और कॉम्प्लिकेशन के इसको करेंगे कैसे। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक एजुकेशन डे था, उसके अंदर मैंने गुफ्तगू की कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस में आपसे बेहतर कोई हरावल दस्ता नहीं हो सकता जो इसमें हमारी मदद करे, मगर गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि आपसे मदद ली जा सके इस सिलसिले में। तो मैं इल्म के हवाले से बच्चों मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर पाकिस्तान की एक ताकत भी आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये इस जो फिगर मैंने आपको बताया इसको रीजन के साथ कंपैरिजन के अंदर भी आप ज़रा सा समझ लीजिए। ये 44% बच्चे हमारे स्कूलों के बाहर हैं, और रीजन के अंदर जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके 98% बच्चे स्कूलों के अंदर ना हो, कोई खत्ता ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये मुस्तकबिल का सेटबैक है, और इन मुस्तकबिल के अंदर इन बच्चों का हम क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे। तो एक तरीक़ा तो इस वक्त मैं मदद अली सिंधी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनिस्टर साहब का, कि फेडरल एजुकेशन
के इदारे ने एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी तय किया है, और मेरी कोशिश ये है कि स्कूल बनाना तो बड़ा मुश्किल है, मगर पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा या तकरीबन 3 लाख मस्जिद हैं, हर गली के अंदर मस्जिद है, तो किसी तरह से मस्जिद के स्ट्रक्चर के साथ और आप लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया जाए कि इन बच्चों को जल्दी से तालीम देकर सिस्टम में लाया जाए। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपकी एक स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और आज का दिन इस स्ट्रेंथ को आपसे बस याद दिला देना, आपको याद है, कोई ख़ास बात मैं नहीं करूँगा, मगर उसको री इन्फोर्स करना चाहता हूँ। वो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान का ख़ानदान। पाकिस्तान का ख़ानदान इस माना कर कर कि आप सबकी तालीम के अंदर आपके माँ बाप का बे इंतहा हिस्सा है। मस्ट रिकग्नाइज दैट, कभी मत भूलिएगा। इस बात का इम्कान है कि जैसे माँ बाप हमारे बूढ़े होते हैं तो निगलेक्ट का शिकार हो सकते हैं, दुनिया के अंदर निगलेक्ट का शिकार हैं, ओल्ड पीपल्स होम्स में जाते हैं। अल्लाह का फजल मेरे मुल्क पर है कि ये अकदार अभी भी पाकिस्तान में मजबूत हैं, और लिहाजा हम उनका ख्याल करते हैं, मगर कहीं ना कहीं डीके हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि कानून पास किया जाए कि बच्चे अपने माँ बाप को घरों से ना निकालें। बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कि उन्होंने आपकी तालीम के अंदर माली मदद भी की होगी, उसके अलावा ये भी जहन में रखो कि जिस चीज़ का जिक्र पाकिस्तान में कम है और दुनिया में तो बिल्कुल ही नापैद हो गई है, वो बात वो है तरबियत का, वो है इखलाकियात का, वो है दिल की बात। एक है इल्म व अकल और एक है दिल, और दिल के साथ जो वाबस्तगी, हमदर्दी और इंसानियत की है वो दुनिया में कम हो गई है, जिसको हिकमत कहते हैं। इल्म और अकल, अकल तो अल्लाह ताला ने बचपन से आपकी बढ़ाते गए अल्लाह सुबहानहू ताला, और इल्म ने उसके अंदर एक रैशनलिज्म और मंतिक का इजाफा कर दिया इल्म ने, मगर ये जो इंसानियत है, ये जो मोहब्बतें हैं, इसका पिछले दिनों जब मैं कहीं गुफ्तगू कर रहा था तो वहाँ पर था कि एजुकेशन एंड पीस, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ दुनिया के हालात देखते हुए, इस वजह से मैं समझता हूँ आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया के अंदर इल्म और अकल मिलाकर हमदर्दी और इंसानियत बढ़ी नहीं है, मगर जुल्म बढ़ा है। ये इल्म बदलेगा है? वसाइल नहीं बदलते मुल्क को। वो ममालिक जहाँ इल्म के जरिए सही फैसले कर लिए गए वो बदल गए, और आपके जहन में सिर्फ याद दहानी कर दूं, सिंगापुर नो रिसोर्सेज इन द ग्राउंड, नो नेचुरल रिसोर्सेज, दुबई नो ऑयल इन दुबई, नो ऐसा मुल्क जो करप्शन का शिकार रहा अब इंप्रूव कर रहा है, बेइंतहा तेल उनका है, और वहां पर तरक्की इस माना करके नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। तो लिहाजा दुनिया में गिद्ध बैठे हुए हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और जो बैनुल अक्वामी इदारे बन गए उनका काम सिर्फ ये है कि फलाने खित्ते में, अब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने जितनी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान ने भी इसमें दखूल हासिल किया, वो हमने अपने कश्मीर का मुकदमा भी उनके कदमों में रख दिया कि ये कश्मीर का मुकदमा है और हमें उम्मीद है क्या आप हल कर लेंगे, वरना अगर हम सीज फायर नहीं करते तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, हैट्स ऑफ टू देम, जो आज़ादी की जंगें लड़ रहे थे, हैट्स ऑफ टू देम, पाकिस्तान के फौजी हैट्स ऑफ टू देम कि ये आज़ाद करा लेते, ये आज़ाद करा लेते। हमने कहा कि नहीं, इंटरनेशनली चलो सही फैसला हो जाएगा, उसूलों पर फैसला हो जाएगा, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं अगर 70 साल की तारीख दूं कि सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट वर्क। आचेह का मसला हल हो सकता है, इथियोपिया का मसला हल हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ बायस अगेंस्ट एंड प्रो रिलीजन्स, मगर कश्मीर का नहीं हुआ। पहली मर्तबा ये कैफियत हुई हाथ पर हाथ धरे रहे जब बॉस्निया के अंदर किताल हो रहा था, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये पहली मर्तबा है कि यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो यूरोप में हुई,
तो लिहाजा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, यूक्रेन के अंदर भी मासूम मारे जाएं तो मुझे और आपको अफसोस है, क्योंकि मेरा कुरान और मेरा अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाते हैं कि एक इंसान अगर मारा जाए तो इंसानियत मारी गई, और एक इंसान की जान बचा ली तो इंसानियत को बचा लिया। तो वी आर द पीपल जो टू टॉक अबाउट इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। लिहाजा हमें तो हर जगह का गम है, मगर ये तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया को इस पर जरूरत है इखलाकियात, एथिक्स और मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, और कहां से निकल सकता है ये भी मैं जब दुनिया में देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है। मेरा अपना तासुब भी है, मेरी अपनी मोहब्बतें भी हैं, मेरा अपना मुल्क भी है जिसने सब कुछ मुझको दिया, मैं इस मुल्क का बे इंतहा मशकूर हूँ हर एतबार से। तो मेरी ख्वाहिश और उम्मीद ये है कि यहाँ से निकलेगा, और कौन निकालेगा ये आप निकालेंगे, नो बडी एल्स।